हरे कृष्णा। हरे तो स्वागत है कर्ता मश्री प्रभु आपका श्री भक्ति रसामृत सिंधु की इस सप्तम कक्षा में। तो इससे पहले हमारी 6 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज हमारी 7वीं कक्षा यहाँ पर आरंभ होने जा रही है। हमने भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के प्रथम लहरी में जो है 7 पद्य कर लिए हैं। पिछली बार 7वें पर हमने विराम लिया था जी। तो पिछला पद्य हमारा जो होना चाहिए वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। ये जो है एतस्य भगवद भक्ति रसामृत पयोनिधे है चत्वारह खलु वक्षन्ते भागाः पूर्वादयः क्रमात्। तो इस पद्य तक व्याख्या हमने कर ली थी, है कि नहीं? जी ठीक है। तो उसका अन्वय आपने लिख लिया, अर्थ लिख लिया आपने, बहुत ही सरल अर्थ था। मैं फिर से अर्थ बताता हूँ। एतस्य यानी इस भगवत भक्ति रसामृत पयोनिधे, पयोनिधि कहते हैं समुद्र को, सिंधु को। तो इस भगवत भक्ति रसामृत सिंधु के चत्वारह खलु वक्षन्ते, 4 कहे जाएंगे। क्या 4 कहे जाएंगे? भागा। 4 क्या कहे जाएंगे भक्ति रसामृत सिंधु के? भाग, भाग कहे जाएंगे। क्रमात्, क्रम से कहे जाएंगे। हाँ, लेकिन क्रम में क्या होगा? पूर्व आदय, पूर्वादि क्रम से कहे जाएंगे जी। तो पूर्वादि जो है क्रम से कहे जाएंगे। तो सबसे पहले होगा पूर्व विभाग, फिर उसके बाद होगा दक्षिण विभाग, फिर उसके बाद होगा पश्चिम विभाग और अंततो गत्वा उत्तर विभाग। जी ठीक है। अब इससे आगे बढ़ना है क्योंकि अब हम पूर्व विभाग के अधिकार में आ गए हैं। कौन से अधिकार में आ गए हैं अभी हम? पूर्व विभाग। हाँ, तो पूर्व विभाग का अधिकार यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ तक तो मंगलाचरण चल रहा था, अब पूर्व विभाग का अधिकार यहाँ से आरंभ होता है। अब देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में गोता लगाने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि सिंधु में स्नान करने से पहले कुछ मंगलाचरण कहना चाहिए। तो पहले 7 पद्यों में मंगलाचरण तो कह दिया, अब सिंधु में गोता लगाने का समय आ चुका है। तो अब अगले पद्य से हम आरंभ करेंगे। तो जो पद्य है मेरे पीछे पीछे दोहराइए। तत्र पूर्व विभागेस्मिन्, तत्र पूर्व विभागेस्मिन्, क्षमा कीजिएगा, तत्र पूर्वे विभागेस्मिन्, तत्र पूर्वे विभागेस्मिन्, भक्ति भेद निरूपके, भक्ति भेद निरूपके, अनुक्रमेण वक्तव्यम्, अनुक्रमेण वक्तव्यम्, लहरीणां चतुष्टयम्, लहरीणां चतुष्टयम्। ठीक है। अब इसकी व्याख्या करने से पहले ग्रंथकार को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण कर लेते हैं। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टम्, श्री चैतन्य मनोभीष्टम्, स्थापितं येन भूतले, स्थापितं येन भूतले, सोयं रूपः कदा मह्यम्, सोयं रूपः कदा मह्यम्, ददाति स्वपदान्तिकम्, ददाति स्वपदान्तिकम्। ठीक है। अब यह जो पद्य है यह भी अनुष्टुप छंद में है, ठीक है। तत्र पूर्वे विभागे अस्मिन्, भक्ति भेद निरूपके, अनुक्रमेण वक्तव्यम्, लहरीणां चतुष्टयम्। ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसका अन्वय कर लेते हैं, और अन्वय कर लेने के बाद फिर उसको हम उसका अर्थ लगाएंगे। तो अन्वय जो है आप लिखना प्रारंभ कीजिए। तो लिखिए अन्वय जी।
तत्र अस्मिन् तत्र अस्मिन् भक्ति भेद निरूपके यस भक्ति भेद निरूपके पूर्वे विभागे पूर्वे पूर्वे विभागे दो अलग शब्द है राइट हाँ पूर्वे विभागे दो अलग अलग शब्द है पूर्वे विभागे लहरीणाम चतुष्टयम् लहरीणाम चतुष्टयम् अनुक्रमेण वक्तव्यम् अनुक्रमेण वक्तव्यम् जी तो इस प्रकार से आपका अन्वय दिखना चाहिए जी देखिए यही है अन्वय जी तत्र अस्मिन् भक्ति भेद निरूपके पूर्वे विभागे लहरीणाम चतुष्टयम् अनुक्रमेण वक्तव्यम् जी ठीक है अब इसका अर्थ लगा लेते हैं जी तो तत्र अस्मिन् मतलब क्या कि तत्र मतलब उसमें उसमें मतलब क्या पहले श्लोक में चार विभाग बताए गए थे कौन से चार विभाग बताए गए थे पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर तो तत्र उन चारों विभागों में अस्मिन् अस्मिन् मतलब क्या इसमें भक्ति भेद निरूप के पूर्व विभागे तो भक्ति के भेदों का निरूपण करने वाले कौन से विभाग में पूर्व विभाग में तो इस विभाग का नाम बता दिया है श्री रूप गोस्वामी जी ने तो ये पूर्व विभाग जो है क्या नाम दिया है इसका भक्ति वेद नहीं पूर्व विभाग तो ठीक है उसका पूर्व विभाग तो नाम है पर उसका थोड़ा सा विवरण भी दिया है क्या है इस विभाग भक्ति भेद निरूप के तो यह विभाग भक्ति के भेदों का निरूपण करने वाला विभाग है जी तो जी. विभाग का उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है जी उद्देश्य यह है कि भक्ति के जो भी भेद हैं वह इस विभाग में पूर्व विभाग में निरूपित किए जाएंगे ठीक है तो तत्र अस्मिन् तो वहां तो उस इन चारों विभागों में से इस विभाग में कौन से विभाग में भक्ति भेद निरूपक के पूर्व विभाग है भक्ति भेद निरूपक पूर्व विभाग में लहरीणाम चतुष्टयम यानी लहरियों के चार जो लहरी हैं अनुक्रमेण वक्तव्यम क्रम से कहे जाएंगे या क्रम से कहने योग्य हैं इसमें चार लहरी कहे जाएंगे तो बता रहे हैं कि इस पूर्व विभाग में पूर्व विभाग का नाम बता रहे हैं भक्ति भेद निरूपक और उसमें क्रम से कितने लहरियां कही जाएंगी चार लहरियां इसमें कही जाएंगी तो अर्थ हमने लगा लिया है अभी जी ठीक है जी देखते हैं तो, इस पे तो हाँ। एक एक प्रकार से पूरे ग्रंथ में भी चार वेव्स है राइट चार लहरी है हाँ और ग्रंथ में चार विभाग है समझिए हाँ, चार विभाग है हाँ और उसमें चार अलग अलग लहरियां है जी जी सिर्फ पूर्व विभाग में चार लहरियां है जी 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 करेक्ट हाँ बाकी दक्षिण विभाग में तो और लहरियां है ना जी जी आपने समझाया था याद है ठीक है तो पूर्व विभाग में कितनी लहरियां हैं कुल मिलाकर चार लहरियां हैं और फिर दक्षिण विभाग में भी लहरियां हैं दक्षिण विभाग में कितनी लहरियां हैं याद है देखना पड़ेगा पांच लहरियां हैं पांच थोड़ा थोड़ा इतना याद रखने की आवश्यकता है दक्षिण विभाग में कितनी लहरियां हैं पांच
पांच लहरियां हैं जी, ठीक है, ऐसे हर विभाग में चार ही लहरियां ऐसे थोड़ी हो गए जी, तो पहले मैं चार, फिर पांच, फिर वापस से पांच और फिर आठ जी, इस प्रकार से अलग अलग विभागों में अलग अलग लहरियां हैं। पूर्व विभाग में चार लहरियां ठीक है, दक्षिण विभाग में पांच लहरियां, फिर पश्चिम विभाग में पांच लहरियां और उत्तर विभाग में आठ लहरियां जी, तो इस प्रकार से लहरियों की स्थिति है ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये सातवां जो पद्य है इस पर कोई टीका है क्या ठीक है, तो इसमें नीचे देखते हैं, देखिए अथ, अथ मतलब क्या, अभी, अब ग्रंथम आरब्धुम, ग्रंथ को आरंभ करने के लिए, तत्परिपाटीम दर्शयति, अब ग्रंथ की परिपाटी को दर्शाते हैं, परिपाटी कहते हैं क्रम को, क्या कहते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स क्रम, क्रम को दर्शयति, दर्शाते हैं, एतस्य इति चतुर्भिः, तो एतस्य वो पिछला ही श्लोक था, एतस्य वस्तुतः ये तो पिछले ही श्लोक की व्याख्या है, तो ये चार चार में दिखाया गया है। अच्छा जीव गोस्वामी कहते हैं तत्र, तत्र मतलब आदव, आदि में, तत्र आदव इति, तो शुरुआत में, तो शुरुआत तत्र इक्वल टू क्या, तत्र अर्थात क्या, तत्र मतलब पूर्व विभाग गत प्रथम लहरयाम, तो अब ये जो है ये वास्तव में ये तत्र जो है ये हमारे ये वाला तत्र नहीं है, ये जो है ना अभी हमने जो देखा तत्र पूर्व विभागेस्मिन ये वाला तत्र नहीं है। दशम पद्य में वापस एक आने वाला है, क्या है, अच्छा, तत्र आदव, तत्र आदव, हाँ हाँ उसका वो तत्र है, तो मतलब इसका अर्थ यही है कि हमारे इस पद्य पर कोई भी टीका रची नहीं गई है, पद्य का अर्थ अतिशय स्पष्ट है, कुछ हाँ दुर्गम कुछ नहीं है, तो फिर इसका हाँ उसमें सब स्पष्ट ही है, तो मोटा मोटा अर्थ यह है कि पूर्व विभाग का नाम है भक्ति भेद के निरूपण करने वाला, इसमें भक्ति के क्या क्या भेद निरूपित किए जाएंगे, आपने लहरियों के नाम लिखे हैं कि नहीं, जी लिखे हैं मैंने जी, तो उसमें पहला पहली लहरी है सामान्य भक्ति, क्या है सामान्य भक्ति, दूसरी है साधन भक्ति जी, तीसरी है भाव भक्ति, चौथी है प्रेम भक्ति, तो ये चार लहरियां हैं जो भक्ति के भेद ही तो हैं, तो पहले सामान्य भक्ति की परिभाषा की जाएगी ये पहली लहरी में, अभी तो पहली लहरी शुरू हो गई, तो अभी क्या भक्ति की सामान्य रूप से परिभाषा जो है दी जाएगी जी, हाँ? जी, जी। फिर उसके बाद दूसरी लहरी में कौन सी भक्ति बताई जाएगी, साधन भक्ति, तीसरी लहरी में भाव भक्ति, चौथी में प्रेम भक्ति, इस प्रकार से चार लहरियां बताई जाएगी ठीक है जी, ये हो गया हमारा आठवां पद्य हो गया, अब नौवां पद्य ठीक है जी, अब लहरियों के जो है नाम बताए जाएंगे, लहरी पुरुष है या लहरी स्त्री है, इकार अंत है तो स्त्री है, तो लहरी स्त्रीलिंग शब्द है ठीक है, इसीलिए इसमें सभी लहरियों के नाम जो है ये स्त्रीलिंग जो है नाम दिए गए हैं यहाँ पर जी, चलिए पढ़ते हैं, आद्या सामान्य भक्त्याढ्या, आद्या सामान्य भक्त्याढ्या, भक्त्याढ्या भक्ति आढ्या, भक्त्याढ्या भक्त्याढ्या, द्वितीया साधनांकिता, द्वितीया साधनांकिता, कुछ कुछ पाठों में साधनान्विता अन्विता है, यहाँ पे अंकिता की जगह पे क्या है अन्विता, भावाश्रिता तृतीया च, भावाश्रिता तृतीया च, तुर्या प्रेम निरूपिका, तुर्या प्रेम निरूपिका, तो बहुत सरल अर्थ है इसका, आद्या सबसे पहली लहरी, आद्या लहरी, आद्य लहरी नहीं होगा क्यों, आद्य आद्या लहरी की लहरी स्त्री है ना,
तो जो भी उसका विशेषण होता है, विशेषण जो है विशेष्य का ही लिंग वचन जो है वो धारण कर लेता है। तो आद्या जो आदि लहरी है, सबसे पहली लहरी है, सामान्य भक्ति आढ्या। तो सामान्य भक्ति आढ्या, सामान्य भक्ति, इसका अर्थ यह है कि सामान्य भक्ति नाम से जानी जाती है। आढ्या ये शब्द मैंने नहीं सुना पहले। मतलब आढ्या का मतलब होता है धनवान। क्या मतलब होता है धनवान? अच्छा, या किसी चीज से संपन्न, जैसे हम कहते हैं धनाढ्य। क्या कहते हैं? धनाढ्य, धन, धनेन आढ्य इति धनाढ्य, मतलब धन से आढ्य, धन से संपन्न, उसको क्या कहते हैं? धनाढ्य। आद्या जो पहली लहरी है वह सामान्य भक्त्या आढ्या, मतलब सामान्य भक्ति से आढ्या है, मतलब सामान्य भक्ति से युक्त है, संपन्न है, संपन्न है, समझ में आ गया? तो पहली लहरी जो है वो सामान्य भक्ति से युक्त है। द्वितीया, द्वितीया साधन अंकिता, द्वितीय जो है वह साधन भक्ति से अंकित है। क्या है? साधन भक्ति से अंकित है, अंकित है। या अन्विता, अन्विता मतलब युक्त है, साधन भक्ति से अन्वित है, यानी साधन भक्ति से उसका अन्वय हो चुका है, यानी साधन भक्ति से वह युक्त है। भावाश्रिता तृतीय चर, तो तृतीय जो है वह उसने किसका आश्रित, किसके आश्रित है? भाव के आश्रित है। और तुरिया, और तुरिया, तुरिया कहते हैं चौथी, चौथी है प्रेम निरूपिका। चौथी किसकी? प्रेम की निरूपण करती है। बस यही बहुत सरल अर्थ है, सरल अर्थ है जी। इसमें अन्वय करने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, नहीं। ठीक है, तो यह हो गया आपका नवम पद्य। ठीक है, इसमें भी कोई टीका तो है नहीं, टीका सीधा दशम पद्य पर ही है, तत्र पे। ठीक है, तो लहरियों के चार नाम गिना दिए। पहली लहरी का नाम है सामान्य भक्ति, दूसरी लहरी का नाम है साधन भक्ति, साधना, तीसरी लहरी का नाम है भाव भक्ति, भाव। चौथी लहरी का नाम है प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति। ठीक है, बहुत। अब क्या है, जरा थोड़ा जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि टीका जो है, टीका बहुत ही इस पर ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन अब 11वां जो पद्य आएगा वह इसमें जो टीका होगी, इस टीका को बहुत सावधानी से समझ कर लेना। इसमें इस टीका को समझने के लिए मुझे खुद को ही बहुत अधिक समय भी लगा है, बहुत अधिक परिश्रम भी लगा है। तो इस टीका को समझने के लिए कॉपी, पेन, पेपर सब साथ में रखिएगा। ठीक है, मन, हाँ, और मन भी रखिएगा। तो ठीक है, पहले, उससे पहले एक छोटा पद्य है जो कि समझने में बहुत ही सरल है। चलिए, दशम पद्य। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम्, तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम्, अस्याः कथयितुं स्फुटम्, अस्याः कथयितुं स्फुटम्, अस्याः कथयितुं स्फुटम्, हाँ, अस्याः कथयितुं स्फुटम्, लक्षणं क्रियते भक्तेर, लक्षणं क्रियते भक्तेर, उत्तमायाः सतां मतम्, उत्तमायाः सतां मतम्। तो अब इसका अन्वय कर लेते हैं, फिर उसका अर्थ देख लेंगे। ठीक है जी, तो इसका श्लोक नंबर 10, हाँ, श्लोक संख्या 10 है जी। okay? तो श्लोक संख्या 10 का अन्वय कर लीजिए। तत्र आदौ, तत्र आदौ, अस्या, अस्याः वैशिष्ट्यम्, वैशिष्ट्यम् सुष्ठु, सुष्ठु,
स्पष्ट हो, कथये तुम को अनुस्वार में मत अंत कीजिएगा, मकारांत दीजिएगा। जी जी कथा ये तुम जी उत्तमायाः भक्तेः उत्तमायाः भक्तेः जी उत्तमायाः भक्तेः लिख लिया जी उत्तमायाः भक्तेः सताम मतम सताम मतम लक्षणम जी स्फुटम क्रियते स्फुटम क्रियते स्फुटम क्रियते। देख लीजिए स्क्रीन पर, यही अन्वय है क्या जो मैंने बताया? जी तो तत्र आदौ अस्याः वैशिष्ट्यं सुष्ठु कथयितुम् उत्तमायाः भक्तेः सतां मतं लक्षणं स्फुटं क्रियते। जी अब सबसे पहले तत्र, तत्र मतलब अब इस पहली लहरी में, अब देखो चार तो लहरी बता दी, अब चार लहरियों में तत्र आदौ मतलब अब उस पहली लहरी में जी अस्याह, अस्याह मतलब इसका, इस स्त्री का, कौन सी स्त्री की बात कर रहे हैं? इस पूर्व नहीं 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 लहरी की बात नहीं कर रहे हैं, इसका अच्छा इस भक्ति के वैशिष्ट्य को, किसको वैशिष्ट को मतलब उनकी विशेषता को सुष्ठु कथयितुम तुम अच्छे से कहने के लिए उत्तमायाः भक्तेः, कौन सी भक्ति का? उत्तम भक्ति, उत्तमा भक्ति का, उत्तमा भक्ति सॉरी उत्तमा भक्ति। हाँ अगर उत्तम भक्ति होता तो उत्तमस्य होना चाहिए था, लेकिन उत्तम भक्ति नहीं है, क्या है? उत्तमायाः, उत्तमा भक्ति है। उत्तमा का षष्ठी एक वचन क्या होगा? जी मैं लता का टेबल मेरा लता का षष्ठी एक वचन लताया होता है, वैसे उत्तमा का षष्ठी एक वचन क्या होगा? उत्तमायाः, उत्तमायाः भक्ते, उत्तमा भक्ति का सताम मतम, सताम मतम मतलब जो साधुओं को मान्य है जी, ऐसा लक्षण स्फुटम क्रियते, स्फुटम क्रियते मतलब एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर किया जा रहा है जी, अगले श्लोक में। हाँ अभी देखिए तत्र आदो, सबसे पहले इस भक्ति का वैशिष्ट्य, भक्ति का क्या कहने के लिए? वैशिष्ट्य, भक्ति की कुछ विशेषता है, उस विशेषता को अच्छे से कहना है। क्या कहना है विशेषता को? अच्छे से कहना है। इसीलिए उत्तम भक्ति का जो लक्षण है, किसी भी भक्ति का नहीं, कौन सी भक्ति का? उत्तमा भक्ति का लक्षण जो है वह संतों के मत में, हाँ पूर्व के साधुओं के मत में, हाँ उस उत्तमा भक्ति का लक्षण जो है अच्छे तरह से बताया जाएगा। देखिए कभी किसी की परिभाषा देनी होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन देना मतलब उसके लक्षण बताना, क्या बताना जी? उसके लक्षण, लक्षण सॉरी लक्षण बताना। जैसे मैं आपको पूछूं कि गऊ क्या, गाय क्या है, गाय की परिभाषा दीजिए, तो गाय क्या होती, कैसे पहचाने गाय को, तो आप क्या बताओगे? तो गाय के नीचे स्तन होता है, दूध देती है, उसका उसके उसकी तो, पूंछ है, तो पूंछ वगैरह, पूंछ गल कंबल खुर सींग लांगुल मतलब पूंछ इत्यादि जो है यह गाय के लक्षण है। क्या है गाय के लक्षण? लक्षण के द्वारा ही तो परिभाषित की जाती है
है कि नहीं जी, है? जी. अब हमको भक्ति की परिभाषा देनी है कि भक्ति क्या होती है. तो भक्ति की परिभाषा देने के लिए भक्ति के क्या बताने पड़ेंगे हमको? लक्षण. लक्षण बताने पड़ेंगे. लेकिन अस्याह वैशिष्ट्यम भक्ति की विशेषता को भी अच्छे से बताना है, सिर्फ परिभाषा देके छोड़ नहीं देना है ना. तो इसीलिए सिर्फ भक्ति की परिभाषा नहीं देंगे, उत्तमा भक्ति की परिभाषा देंगे. किसकी परिभाषा देंगे? उत्तमा भक्ति. हाँ, सिर्फ क्योंकि इससे पहले भी नारद भक्ति सूत्र में तो भक्ति की परिभाषाएं बहुत सारी दी जा चुकी हैं. श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में कपिल मुनि ने तमोगुण में भक्ति, रजोगुण में भक्ति, सत्वगुण में भक्ति, ऐसे बहुत निर्गुणा भक्ति, ऐसे समस्त भक्ति की परिभाषाएं भी बताई. जी, तो जब इतनी सारी परिभाषाएं पहले से ही विद्यमान है तो फिर वापस आप क्यों नई परिभाषा गढ़ रहे हो श्री रूप गोस्वामी जी? प्रश्न यह उठता जी. उसका कारण यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति की विशेषता को बहुत अच्छे से कहने की इच्छा है. इसीलिए अन्य परिभाषाओं में भक्ति के लक्षण तो दिख जाते हैं पर भक्ति की विशेषता जो है उतनी स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से जो है उभर कर नहीं आती है. तो इसीलिए अब भक्ति की विशेषता दिखानी है और इसीलिए सिर्फ भक्ति की परिभाषा ना देते हुए कौन सी भक्ति की परिभाषा देंगे? उत्तमा भक्ति. हाँ, लक्षण जो है उत्तमा भक्ति के बताए जाएंगे. और ये लक्षण क्या मनगढ़ंत है या कुछ साधुओं के द्वारा प्रमाणित है? सताम मतम. हाँ, तो यह अपने मन से बताए हुए नहीं है, यह साधुओं द्वारा प्रमाणित है. क्योंकि जैसे ही भक्ति के लक्षण बताए जाएंगे, अगले पद्य में उत्तमा भक्ति के लक्षण बताए जाएंगे, तो उसके अगले पद्य में उन्हीं लक्षणों को नारद पंचरात्र के पद्य से जो है उसको उसको संबल दिया जाएगा, मतलब उसको और प्रमाणित किया जाएगा. तो ये अब ये जो अन्याभिलाषिता शून्यम अगला पद्य है, हाँ, यह तो किसका रचा हुआ है? ये रूप गोस्वामी का रचा हुआ. हाँ, तो यह पद्य रूप गोस्वामी जी ने खुद होकर लिखा है या इन्होंने संतों का मत, पूर्व के आचार्यों का मत लिया? नहीं, उनका मत को मायने रखते हुए. हाँ, तो वह कौन सा मत है? तो उसके अगले पद्य में बताएंगे. हाँ, जो नारद पंचरात्र का, जो नारद पंचरात्र का जो पद्य है वह उसके बाद दिखाया जाएगा. हाँ, तो ये देखिए, ये तो है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये तो रूप गोस्वामी जी का है. इसके बाद 12वां दिखाया जाएगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवानाम भक्तिर उच्यते. देखिए, भक्ति कही जाती है. हाँ, तो यही तो परिभाषा, लक्षण दे दिए, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ये तीन लक्षण बता दिए. हाँ, और इन तीन लक्षणों द्वारा लक्षित क्या लक्षित होती है? भक्ति. भक्ति लक्षित होती है, सीधी सरल अर्थ है इसका, है कि नहीं? नहीं, तो यह जो मत है यह कौन से आचार्य का मत है? ये नारद पंचरात्र. हाँ, तो नारद पंचरात्र का मत है. तो यही, लेकिन इसी को ही श्री रूप गोस्वामी जी अपने शब्दों में जो है कहेंगे पहले. तो क्या कारण है? कारण यह है कि भक्ति की विशेषता को स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह से कहने की इच्छा है. जी. तो अभी इसका मैं एक उदाहरण भी बता दूं. तो जैसे क्या है, उसको स्पष्ट करने के लिए थोड़ा उदाहरण बताना भी आवश्यक है कि क्या है, पहले के आचार्यों ने क्या भक्ति की परिभाषा नहीं दी है क्या? जी हाँ, दी तो है भक्ति की परिभाषा. जैसे एक है नारद भक्ति सूत्र है. कौन सा है? नारद भक्ति सूत्र. जी, अभी देखिए, ये नारद भक्ति सूत्र मैं आपको दिखा देता हूँ. हाँ, नारद भक्ति सूत्र. जी, ये लीजिए. तो ये देखिए, नारद भक्ति सूत्र में पहला सूत्र है, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः. अब हम क्या करेंगे? भक्ति की व्याख्या करेंगे. आगे जाकर बहुत सारे ये देखिए उनकी व्याख्या करते हैं. तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात. अब नाना मतों के अनुसार भक्ति के लक्षण कहते हैं. पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्यः.
पराशर नंदन व्यास जी के मत अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना ही क्या है? भक्ति। अच्छा, भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति है। ये दे दी व्याख्या, भक्ति की व्याख्या दे दी। किसकी व्याख्या है ये? हाँ, भक्ति की। हाँ, किसके द्वारा दी गई है? पाराश्चर्य। कौन है? पाराश्य मुनि, पराशर नंदन श्री व्यास जी। अच्छा, श्रीनिवास जी। ओके, श्री व्यास जी के अनुसार भक्ति क्या है? कि पूजा में ही अनुराग होना, भगवान की पूजा में अनुराग होना। अच्छा, भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति है। हाँ, तो भगवान के भक्त की पूजा में अनुराग होना भक्ति है क्या? हाँ, पर यहाँ पे तो नहीं बचे जी। जी, अगले कहते कथादिशु इति गर्ग। गर्ग आचार्य के मत से भगवान की कथा में अनुराग होना ही क्या है? भक्ति। अब भगवान की कथा में अनुराग होना, भगवान के भक्तों की कथा में अनुराग होना भक्ति है? इस परिभाषा के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार तो स्पष्ट नहीं किया गया। हाँ, सीधा बोलिए नहीं है। ठीक है। हाँ। इसी तरह से बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। हाँ, नारदस्तु तद अर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलते इति। नारद के मत में अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। तो बहुत सारी व्याख्याएं की गई। रूप गोस्वामी जी को चाहिए कि सर्वतोमुख व्याख्या चाहिए। कैसी व्याख्या चाहिए? सर्वतोमुख मतलब हर एक दृष्टिकोण से। हाँ, सारी दिशाओं को जो है। हाँ, सारे भक्ति के अंगों को एक ही व्याख्या में समेट लेना है, जिसको कहते हैं गागर में सागर भरने का काम करना है। अभी एक ही व्याख्या में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए भक्ति का जो छूट जाए। जी जी, ये अब हमारे सामने जो है ये अब हमें इस भक्ति की परिभाषा को देखना है। ये भक्ति की परिभाषा अब हमारे सामने प्रस्तुत होगी, लेकिन उससे पहले टीका देखनी। हाँ, और बस एक प्रश्न था प्रभु जी, आपने कहा कि आगे जाके उन्होंने एक नारद पंचरात्र का जो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम करके श्लोक का प्रमाण दिया गया है, तो वो कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से आईना दिखा दिया अन्याभिलाषितम शून्य को। जी जी, वही अन्याभिलाषिता शून्यम की ही एक अन्याभिलाषिता शून्यम मानो उसी श्लोक की एक प्रतिकृति है, समझ सकते हैं ना? क्योंकि मूल तो वही है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, पर उसी की मानो एक और प्रतिकृति बनाई गई है अन्याभिलाषिता शून्यम में। उसी की एक परछाई बनाई गई, पर परछाई जो है मूल से ज्यादा उभर के आई है, अच्छी दिख रही है इस समय। जी, जी, ठीक है? जी, जी, तो ठीक है, देखते हैं। हाँ, यह पहले टीका देख लेते हैं दशम। जी, जी, तो श्लोक दशम पद्य का दशम श्लोक का अर्थ यह है कि इस सबसे पहले हाँ इस पूर्व लहरी में पूर्व विभाग के प्रथम लहरी में इस भक्ति के विशेषता को अच्छे से कहने के लिए पहले उत्तमा भक्ति का लक्षण कहा जाएगा। और वो कौन किसके मत अनुसार कहा जाएगा? भक्तों के मत। हाँ, पूर्व के साधुओं के मत के अनुसार हाँ भक्ति के उत्तमा भक्ति का लक्षण कहा जाएगा। जी, ठीक है। अब टीका देखते हैं। तत्र आदव इति, तो यह यहाँ से मालूम पड़ता है कि टीका कौन से हाँ पद्य की है। तत्र आदव। तत्र आदव, तत्र का अर्थ क्या है? पूर्व भाग गत प्रथम लहर्याम, तो तत्र का अर्थ है पूर्व विभाग में जो प्रथम लहरी है उसमें। जी, तो आदव, आदव मतलब प्रथमतः एव, पहले ही, पहले से ही। उत्तमायाः भक्तेर लक्षणम क्रियते, पहले से ही कौन सी भक्ति का लक्षण किया जा रहा है? उत्तमा भक्ति का लक्षण किया जा रहा है, यानी प्रतिपाद्यतया अभिधीयते। तो उसको उत्तमा भक्ति जिस प्रकार से प्रतिपादित की गई है, मतलब उत्तमा भक्ति जो है उसको प्रतिपाद्यतया अभिधीयते, उसको उत्तमा भक्ति ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूरे ग्रंथ में उत्तमा भक्ति ही प्रतिपादित होने वाली है। कौन सी भक्ति प्रतिपादित होने वाली है? उत्तमा भक्ति।
प्रतिपादित मतलब उसका उसी का ही वर्णन जो हाँ वही उसी का वर्णन हाँ। पूरे ग्रंथ में किया जाएगा जी, ना तू सर्वात्मिकाया ना, ऐसा नहीं है कि सर्वात्मिका भक्ति जो है आगे प्रतिपादित की जाएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे उत्तमा भक्ति की व्याख्या तो मतलब उसके परिभाषा तो उत्तमा की दे दी और आगे जाके मध्यमा कनिष्ठा भक्ति की भी बात की जाएगी, ऐसा नहीं है ना। प्रतिपाद्यतया मतलब जो भक्ति आगे प्रतिपादित की जाएगी हाँ, आगे हाँ, कौन सी भक्ति प्रतिपादित की जाने वाली है, उत्तमा भक्ति उत्तमा, हाँ, पूरे ग्रंथ में अधिकार मुख्यता हाँ, से नहीं, एक ही भक्ति की बात की जाने वाली है, कौन सी भक्ति की हाँ, बात की जाने वाली है, अच्छा उत्तमा भक्ति हाँ, समझ लेना चाहिए कि यहाँ से अधिकार शुरू होने वाला है, 11वें पद्य से अधिकार शुरू होने वाला है, कौन सी भक्ति का, उत्तमा भक्ति, ग्रंथ के अंत तक जाने वाला है। जी 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 ओके ठीक है, तो उत्तमा भक्ति का अधिकार 11वें पद्य से शुरू होने वाला है, तो उत्तमा भक्ति ही तो प्रतिपादित हो रही है जी, तो प्रतिपाद्यतया अभिधीयते, इसलिए प्रतिपाद्यतया प्रतिपादित होने के कारण ही उसी का ही नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, न तो सर्वात्मिकाया, ऐसा नहीं कि सर्वात्मिका भक्ति का नाम नहीं, सर्वात्मिका मतलब क्या, जिस भक्ति में उत्तमा लक्षण भी है, मध्यमा लक्षण भी है, कनिष्ठा लक्षण भी है, सब मिक्स लक्षण में है, ऐसी सर्वात्मिका भक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है जी, कौन सी जी, भक्ति का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, उत्तमा उत्तमा भक्ति। हाँ तत्र हेतु, क्या हेतु है भाई इसमें कि सर्वात्मिका का नाम ना लेके किसका नाम लिया जा रहा है केवल, उत्तमा हाँ, क्या हेतु है इसमें, तो हेतु बता रहे हैं सुष्ठु वैशिष्ट्यम कथयतु, उसका भक्ति का अच्छे से क्या कहने के लिए, उसका वैशिष्ट्य हाँ, उसकी विशेषता कहने के लिए। देखिए बात यह है, सरल उदाहरण बताता हूं, जैसे मैं आपको बोलू हाँ कि कर्ता मसीह प्रभु मुझे जल लाकर दीजिए, क्या लाकर दीजिए, जल, तो क्या आप मेरे सामने 4 गिलास जल लाएंगे और बोलेंगे कि यह पहला गिलास है इसमें पूर्ण अशुद्ध जल है, यह दूसरा गिलास है इसमें आधा शुद्ध जल है, यह तीसरा गिलास है जिसमें प्रायः शुद्ध ही है थोड़ी सी अशुद्धि है, और यह चौथा गिलास है जो पूर्ण शुद्ध जल है, ऐसे आप 4 गिलास लाएंगे या आप एक ही गिलास लाएंगे, नहीं एक ही गिलास लाएंगे हाँ, तो कौन सा गिलास लाएंगे आप, सबसे शुद्ध वाला जी, क्योंकि आप सुहृद हैं, कौन है आप, सुहृद जी, हाँ, ग्रंथ किसके लिए लिखा गया था जी, सुहृद सुहृदाम प्रमोदाय, पहले ही तो कहा गया था जी, तो सुहृद व्यक्तियों के लिए जब ग्रंथ लिखा जाएगा तो उसमें अशुद्ध वस्तु प्रतिपादित की जाएगी या शुद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना उचित है वहां पर, शुद्ध 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 वस्तु का प्रतिपादन करना वहां पर उचित है, और दूसरी बात यह है कि अशुद्ध जल को क्या जल कह सकते हैं, कह सकते हैं, यदि आपको जल की परिभाषा देनी हो हाँ, आप हाँ, अशुद्ध जल को जल कह सकते हैं क्या, नहीं एक प्रकार से हाँ और ना, क्योंकि नहीं, हाँ. नहीं कोई आप, क्योंकि अशुद्ध जल में जल के अलावा जल के व्यतिरिक्त और भी तो वस्तुओं का मिश्रण होता है जी, तो अन्य वस्तुएं जो हैं क्या वो जल हैं या जल भिन्न है, जल भिन्न है, जल भिन्न वस्तु को जल कह सकते हैं क्या, जी नहीं नहीं कह सकते, तो वास्तव में जब आपको किसी वस्तु की परिभाषा देनी होती है तो उस वस्तु का सबसे शुद्ध परिमार्जित संस्करण ही आपको प्रस्तुत करना होता है, सही बात है कि जी, जी तो इसी तरह से जीव गोस्वामी भी कह रहे हैं सुष्टु वैशिष्ट, जब उसका विशेषता कहनी है कि भाई ये भक्ति है तो ये भक्ति है मतलब ये वो भक्ति है जिसमें और किसी का भी मिश्रण नहीं है, तब जाके तो भक्ति की विशेषता समझ में आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ जी जी जीव गोस्वामी अन्यत्र हाँ बाकी जगह पे जहाँ पे भक्ति क्या है, जो भक्ति ये हो गई है सर्वात्मिक, हाँ मिश्रित हो गई है, हाँ, मिश्रित हो गई है जी, अन्यत्र देखिए क्या बोलते हैं अन्यत्र, अन्य अभिलाष ज्ञान कर्म आदि आवृतत्वेन हाँ अपूर्ण बलत्वात, हाँ तो अन्य जगह पर
अन्य अभिलाष से ढक गई है भक्ति, कहीं कहीं भक्ति ज्ञान से ढक गई है, कहीं कहीं भक्ति कर्म से ढक गई है, कहीं कहीं आदि यानी सांख्य योग इत्यादि से ढक जाने के कारण भक्ति अपूर्ण बलत्वात्, भक्ति का बल क्या हो जाता है, अपूर्ण बल हो जाता है। हाँ, एतद अंशत एव अस्यास्तादृशत्व व्यक्त है, फिर उसी अंश में भक्ति व्यक्त होती है, जितने अंश में होती है भक्ति हाँ, उसी अंश में भक्ति की व्यक्त मतलब भक्ति जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे भक्ति हाँ, मान लीजिए भक्ति 50% कर्म से ढक गई, तो फिर उसमें भक्ति की व्यक्ति मतलब भक्ति कितना व्यक्त होगी, 100% व्यक्त होगी या 50% व्यक्त होगी, 50%। हाँ, तो अपूर्ण बल होने के कारण उतने ही अंश में भक्ति दिखाई देती है वहां पर। यदि आपको भक्ति की परिभाषा देनी है तो आपको 50% भक्ति की परिभाषा देनी है या 100% भक्ति की परिभाषा देनी है, 100%। और उसी 100% भक्ति को कौन सी भक्ति कहते हैं, उत्तमा भक्ति, उत्तमा भक्ति, ठीक है। क्योंकि देखिए शास्त्र में भी तो कहा गया है, क्या कहा गया है, याद है श्लोक, यस्यास्ति भक्ति, मैंने सुना ये, मैंने इसको सीखा नहीं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना जी, ये कौन सा नंबर, ये श्रीमद् भागवत में जी जो है यह पद्य आपको मिलेगा, पंचम स्कंद में पद्य है, पंचम स्कंद में आपको 18वें अध्याय में 12वां जो है श्लोक है, 12वां पद्य जी, है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। इसका अर्थ क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आवश्यक है जानना कि क्या यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो पांचवें अध्याय में जो 18वां पांचवें स्कंद में जो 18वां अध्याय है उसमें 12वां जो है पद्य है, ये देखिए 12वां पद्य आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है जी। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। ये देखिए उसका ये इतना ही अंश आपको पढ़ना है, जिस पुरुष की पढ़िए, जिस पुरुष की अच्छा नीचे से, जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता संपूर्ण गुणों के साथ निवास करते हैं जी। हाँ, तो जिसमें भगवान की कैसी भक्ति है, निष्काम भक्ति, हाँ उत्तम भक्ति है, आप समझ रहे हैं, अन्य किसी कामनाओं से बाधित नहीं है, ऐसी भक्ति जिसके हृदय में है उसके ही हृदय में सारे सद्गुण भक्ति प्रकाशित करती है कि नहीं जी जी। हाँ, अकिंचना ये भक्ति का विशेषण लगाया गया है यहाँ पे, देखिए भक्ति भक्ति, लेकिन कैसी भक्ति, अकिंचना भक्ति। हाँ, यहाँ पे भी देखिए भागवत में अकिंचन भक्ति नहीं कहा गया, क्या कहा गया, हाँ, अकिंचना, हाँ, क्यों, हाँ, क्योंकि वो लिंग हाँ, ये है ना जी, भक्ति कौन से लिंग है, स्त्रीलिंग है, हाँ, तो विशेषण को कौन से लिंग का, हाँ, जी स्त्रीलिंग जी, अकिंचना भक्ति, तो हिंदी में बोल देते निष्काम भक्ति, लेकिन वास्तव में अकिंचना भक्ति होनी चाहिए, तो भक्ति अपने सारे गुणों को प्रकाशित करती है जी, जब जी, जल 100% शुद्ध होता है तो ही जल अपने सारे गुणों को प्रकाशित कर देता है, अन्यथा जल के गुण ढक जाते हैं। जब सोना 24 कैरेट शुद्ध होता है तभी सोना अपने सारे गुण प्रकाशित करता है, अन्यथा सोने के गुण सुवर्ण के गुण ढक जाते हैं, है कि नहीं, हाँ, उसी तरह से जब भक्ति उत्तमा होती है तभी ही भक्ति अपने सारे गुण क्या करती है, प्रकाशित करती है, अन्यथा भक्ति के गुण अन्य अभिलाष ज्ञान कर्म आदि से ढक जाते हैं, और वो ढकने के कारण भक्ति अपूर्ण बल वाली हो जाती है, और अपूर्ण बल वाली हो जाने से केवल उतने ही अंश में भक्ति प्रकाशित होती है जितनी में वो विद्यमान होती है, जितने अंश में वो विद्यमान होती है जी, आप समझ में, इसलिए अपूर्ण भक्ति की व्याख्या नहीं करनी है, व्याख्या करनी है तो कौन से भक्ति की व्याख्या करनी है जी, उत्तमा भक्ति, निष्काम भक्ति जी, समझ में आ गया जी, ठीक है।
अब हम आते हैं हमारे परिभाषा सूत्र पर, भक्ति की परिभाषा। ठीक है जी, अब यह श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा भक्ति की परिभाषा, उत्तमा भक्ति का अधिकार आरंभ हुआ, यह अधिकार कहाँ तक जाएगा? ग्रंथ के अंत तक। हाँ, ग्रंथ की समाप्ति तक। सारे विषय जो हैं वो उन विषयों में कौन सी भक्ति का अधिकार चलेगा? उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति का अधिकार चलेगा। जैसे जब आप दिल्ली शहर में प्रविष्ट हो जाते हो किसी गाड़ी में, तो दिल्ली शहर के वाहन नियम, ट्रैफिक जिसको कहते हैं, ट्रैफिक नियम, वाहन नियमों का अधिकार शुरू हो जाता है जी। ये वाहन नियमों का अधिकार कहाँ तक जाता है? दिल्ली के बॉर्डर तक, अंत तक, समाप्ति तक जाएगा। तो वैसे ही यहाँ से भक्ति का अधिकार शुरू हो गया, लेकिन कौन एक विशेष प्रकार की भक्ति का अधिकार शुरू हुआ है? कौन से प्रकार की भक्ति का अधिकार शुरू हुआ है? उत्तमा भक्ति। ये अधिकार ग्रंथ की परिसमाप्ति तक जाएगा जी, याद रखना। ठीक है जी। तो मान लीजिए कि आपको तैरने के लिए, पूरे समुद्र में तैरने के लिए जो है यहाँ से, वास्तव में यहाँ से आरंभ करना है। ठीक है, चलिए एकादश पद। अन्याभिलाषिता शून्यम्। अन्याभिलाषिता शून्यम्। शून्यम् उकार पड़ा है। अन्याभिलाषिता शून्यम्। अन्याभिलाषिता शून्यम्। ज्ञानकर्माद्यावृतम्। ज्ञानकर्माद्यनावृतम्। आनुकूल्येन कृष्णानु। आनुकूल्येन कृष्णानु। शीलनं भक्तिरुत्तमा। शीलनं भक्तिरुत्तमा। अब इसका हम जो है अन्वय सर्वप्रथम कर लेते हैं। अन्वय करने के बाद फिर देखेंगे कि उसका क्या अर्थ है। ठीक है जी। तो कोई नहीं, जैसा लिखा है उसको यथारूप लिखना है। अन्याभिलाषिता शून्यम्। हाँ, ये तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस देख लीजिए। अन्याभिलाषिता शून्यम्। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। हाँ, बस अंत के जो दो है उनको उलट कर दीजिए। हाँ, उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति ही। हाँ, और यही आपके पद्य का अन्वय है। जी, तो कितने लक्षण बताए गए हैं ये पहले हम देख लेते हैं। प्रथम लक्षण क्या बताया गया है? अन्य अभिलाषिता शून्यम्। अन्य अभिलाषाओं से क्या है? शून्य। जो शून्य शून्य हो, के शून्य हो, जो अन्य अभिलाषाओं से क्या हो? शून्य हो। शून्य मत बोलिए, शून्य हो। शून्य हो। शून्य। उकार दीर्घ है ना। अन्य अभिलाषाओं से क्या हो? शून्य। शून्य हो। अन्य मतलब क्या? भक्ति से रहित। भक्ति से अन्य, भक्ति समझ से रहे अन्य। क्योंकि हाँ, श्री रूप गोस्वामी जी ने सर्व अभिलाषिता शून्यम नहीं कहा जी। सारी अभिलाषाओं से शून्य नहीं कहा है। हाँ, भक्ति जी। में भी कुछ अभिलाषाएं होनी चाहिए साधक की जी। तो केवल अन्य अभिलाषाओं से शून्य। अन्य अर्थात किससे अन्य? भक्ति से अन्य। भक्ति से अन्य अभिलाषाओं से शून्य जी। फिर यह प्रथम लक्षण है। कौन सा लक्षण है ये? प्रथम लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है? ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान कर्म आदि ना अनावृतम, मतलब ज्ञान कर्म इत्यादि से क्या होने चाहिए? अनावृत। अनावृत नहीं ढकी जानी चाहिए। कभी कभी भक्ति को ज्ञान ढक लेता है। क्या कर लेता है भक्ति को? ज्ञान ढक लेता है। जैसे किसी किसी व्यक्ति के जीवन में उसको ऐसा लगने लगता है कि भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान। ज्ञान, वेदांत का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ये जो है उसे अधिक महत्वपूर्ण लगने लगता है। जी। वास्तव में ज्ञान का अर्थ यहाँ पे वेदांत का ज्ञान जो है वो यहाँ पे जी।
कर्म का अर्थ जो वेदों में कर्म दिए हुए हैं, श्रौत स्मार्त कर्म जो दिए हुए हैं, हाँ, उनसे कभी कभी किसी की भक्ति ढक जाती है। कोई कोई सोचता है वेदों में दिए हुए जो कर्म है, कर्म कांड है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति से, तो उसकी भक्ति ढक जाती है। किससे ढक जाती है? कर्मों से। कर्मों से, आदि से, जो भी बाकी सारे जो दर्शन है जो भक्ति को ढक सकते हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन इत्यादि जो दर्शन है, वो आदि पद में बताए गए हैं। इन सभी से अनावृतम, इन सब से भक्ति क्या होनी चाहिए? अनावृत, ढकनी नहीं चाहिए। ढकी नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण क्या है? अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम। अनुकूल, अनुकूल्येन, अनुकूलतायाः भावः अनुकूल्यम्। अनुकूलता का भाव ही क्या है? अनुकूल्य। अनुकूलस्य भावः अनुकूल्यम्। अनुकूल का, अनुकूल होने का भाव ही क्या कहलाता है? अनुकूल्य। इसको हिंदी में, अंग्रेजी में कहेंगे फेवरेबिलिटी या फेवरेबलनेस। तो अनुकूल्येन, अनुकूलता से, किसका अनुशीलन करना? कृष्ण का। अनुशीलन का क्या अर्थ होता है? मतलब उनका, मतलब उनके लिए फेवरेबल, नहीं अनुशीलन, मतलब उन, पहले ही बता, अनुकूल्येन का अर्थ क्या होता है? फेवरेबली, ये तो अंग्रेजी में थोड़े ही अनुकूलता से, अनुकूलता से कृष्ण का क्या करना है? अनुशीलन करना है। अनुशीलन का क्या अर्थ होता है? उसका स्पष्ट अर्थ ये नहीं मालूम। नहीं, हाँ जी। तो कृष्ण के संबंध में अनु मतलब पुनः पुनः, अनु मतलब क्या? पुनः पुनः। शीलनम, शीलन मतलब किसी भी कृष्ण को अच्छे लगने वाली क्रिया का अभ्यास करना है। कृष्ण को अच्छे लगने वाली क्रिया का क्या करना है? अभ्यास करना है। अभ्यास को ही शीलन कहते हैं। क्या अच्छा, कहते शीलन। तो अभी देखिए, ये शील धातु से बना है। कौन से धातु से बना है ये? शील, शील धातु से बना है। तो शील धातु जो है ये हमको समझना आवश्यक है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है क्षीर तरंगिणी, इसमें सब धातुएं बताई गई। क्या बताई गई है? सब धातुएं बताई गई हैं। इसमें एक धातु है जिस जो है शील धातु। तो ये धातु मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। चुरादि गण में, धातुओं में अनेक गण होते हैं, उसमें एक चुरादि गण होता है। चुरादि गण में एक धातु है, धातु क्या है? शील। शील कौन से अर्थ में है? उपधार, उपधारण, हाँ उपधारण, उपधारण, उपधारण अर्थ में होती है। अच्छा, क्षीर स्वामी टीकाकार कहते हैं उपधारणम मतलब क्या? उपधारणम अभ्यास, अभ्यास। उपधारण मतलब क्या है? करना, अभ्यास, अभ्यास करना किसी भी क्रिया का, क्या करना बारंबार? अभ्यास करना। जैसे मैं बोलूं, मैं खेलने का शीलन कर रहा हूँ, मतलब मैं खेलने का क्या कर रहा हूँ? अभ्यास कर रहा हूँ। मैं खेलने का अनुशीलन कर रहा हूँ, मतलब मैं खेलने का क्या कर रहा हूँ? बार बार अभ्यास कर रहा हूँ। मैं खाने का अनुशीलन कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? खाने की बार बार अभ्यास कर रहा हूँ। अब मैं कृष्ण के लिए बार बार अनुशीलन कर रहा, कृष्ण को जो अच्छा लग रहा है ऐसी क्रिया का बार बार अनुशीलन कर रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं? कृष्ण अनुशीलन। समझ में आ गया? जी जी, स्पष्ट से। ठीक है, तो ये बात है। तो अनुकूलता पूर्वक कृष्ण को अच्छा लगने वाला कुछ अनुशीलन ही कौन सी क्या कहलाता है? भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति कहलाता है। अब ये देखिए, इसमें अनुशीलन में एक ऐसा, एक शील एक ऐसी धातु है जिसमें बाकी सारी धातुओं का भाव समाहित हो सकता है। जैसे सभी क्रियाओं का अनुशीलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी। खाने का जी, पीने का जी,
उठने का, सोने का, जागने का, नहाने का, धोने का, हंसने का, रोने का और लिखने का, पढ़ने का, सभी चीज का भाव कौन सी क्रिया में आ सकता है? शील धातु। शील धातु में उसका भाव आ सकता है। अनुशीलन शब्द में उसका भाव आ सकता है। जी जी। तो व्यास देव जी कह रहे थे केवल कथा में, पूजा में अनुराग। गर्ग मुनि कह रहे थे केवल किस में अनुराग? भगवान के कथा में। तो क्या भगवान के मंदिर जाना भक्ति नहीं है क्या? नहीं है। तो अच्छा, और फिर भगवान की माला पहनना? जी वो भी भक्ति है। अच्छा, और भगवान की प्रदक्षिणा करना? वो भी भक्ति है। अच्छा, क्या माला पहनने का अभ्यास को क्या कहेंगे? माला, माला पहनने का अभ्यास कौन से शब्द में आ सकता है? इसमें कृष्णानुशीलन। कृष्ण की माला पहनने का अनुशीलन, कृष्ण की परिक्रमा करने का अनुशीलन जी, कृष्ण के लिए नृत्य करने का अनुशीलन जी, समझ में आ रहे हैं? यही तो है कृष्णानुशीलनम। वाओ। अब बताइए संसार में कौन सी क्रिया रह गई जो भक्ति के इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ गई है? जी सब आ गया, सब आ गए सारे। तो धातु पाठ की सारी क्रियाएं अनुशीलन के अंतर्गत आ गई कि नहीं आ गई? जी जी ठीक है। वाह। इसका अर्थ ये हुआ कि इस व्याख्या को भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल में जो है त्रिकाल व्यापी व्याख्या हो गई। हाँ, जिस समय यह व्याख्या लिखी गई थी उस समय मोबाइल फोन का आविष्कार नहीं हुआ था। कृष्ण के लिए फोन लगाना जी, क्या कृष्ण के सेवा के लिए किसी को फोन लगाना यह भक्ति है या नहीं? भक्ति है, पर यह तो व्यासदेव ने नहीं बोला था जी, लेकिन रूप गोस्वामी ने बोल दिया। कौन से शब्द में बोला? कृष्णानुशीलनम। हाँ, ये बात है जी। ठीक है जी जी। वाह, समझ में आया आपको? जी जी, पूरी तरह। तो कहां धातु पाठ में से विशेष धातु उठाई गई है? शील धातु जी। और उसका शील स्वामी ने जो अर्थ किया था, शील स्वामी एक प्राचीन वैयाकरण है, उन्होंने जो अर्थ किया था वो अर्थ लेकर, हाँ, शील का अर्थ होता अभ्यास, तब जाके फिर वो अर्थ लिया गया, फिर किया गया है जी। क्योंकि मनुष्य जीवन की, मनुष्य जीवन छोड़ दिया, पशु जीवन, देव जीवन, 84 लाख योनियों के जीवन की समस्त क्रियाओं का को अपने अंदर सार गर्भित करने वाली एक ही क्रिया है अनुशीलन। जी जी। इसी शब्द से समझ में आ जाता है कि ग्रंथकार ने कितना विचार किया है भक्ति के विषय में जी, कितना गूढ़, कितना जो है गंभीर विचार ग्रंथकार का रहा है। आधी मात्रा भी जो है निरर्थक नहीं है यहाँ पर जी। ठीक है। तो तीन लक्षण है और लक्षित वस्तु है उत्तमा भक्ति। तीन लक्षण क्या है बताइए? अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब कोई बाकी के सभी अभिलाष बिना मतलब भक्ति को छोड़ के बाकी सभी अभिलाषों को शून्य करके, फिर ज्ञान कर्म आदि बाकी सभी अभिलाषाओं से शून्य, शून्य होकर जी, शून्य, बाकी सभी अभिलाषाओं से शून्य, शून्य, फिर ज्ञान कर्म आदि से, आदि से, से अनावृत, अनावृत होकर, और नहीं होकर, वो सब आप मत जोड़िए, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिए, अन्य अभिलाषाओं से शून्य जी, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत जी, अनुकूलता पूर्वक कृष्ण का अनुशीलन ही क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता, उत्तमा भक्ति कहलाता है। ये होकर और कहकर करकर कुछ नहीं है इसमें जी, हाँ? जी, जी, ठीक जी, है हाँ? अन्य अभिलाषाओं से शून्य, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, हाँ, ये दोनों, हाँ, इस इन, हाँ, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत अनुकूलता पूर्वक कृष्ण का अनुशीलन ही भक्ति क्या है? कहलाता है, उत्तम भक्ति कहलाता है जी। हाँ ठीक है, समझ में आ गया जी, हाँ, जी जी बस ये है, इस, हाँ, होकर
और कह कर होता तो कृतवा, हाँ ऐसा बोल देते, हाँ, नहीं वो सब नहीं डाला है यहाँ पे, एकदम कट टू कट व्याख्या करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो वापस आप हिंदी में बताइए क्या अर्थ है इसका। अन्य अभिलाषिता अभिलाषाओं से शून्य ज्ञान कर्म आदि उसे अनावृत अनुकूलता से कृष्ण की अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति कहलाती है। कृष्ण का अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है, ठीक है। बस यही है, यही आपके उत्तमा भक्ति की व्याख्या हुई है जी, ठीक है। अब इसका इसके टीका में अवगाहन करने का समय आ गया है जी। तो ब्रो जी, मैंने कृष्णानुशीलनम का सिर्फ खुद से डेफिनेशन लिखा है, बस देखना चाहता हूँ कि सही है कि नहीं। नहीं नहीं, आप मत, आप मत उस, आप उसका मत लिखिए, जीव गोस्वामी बताएंगे, मत कीजिए, नीचे देखिए बताएंगे, ये पढ़िए तदेवम सती, क्या है देखिए क्या बताएंगे, कृष्ण संबंधी कृष्ण कृष्णार्य कृष्णार्थ कृष्णार्थम अनुशीलनम, ठीक है, वो बताएंगे बाद में, उसमें बहुत रहस्य है अभी, वो थोड़ा मोटा मोटा अर्थ समझने, टीका में सारे अर्थ स्पष्ट ये जाएंगे। जी जी जी, चलिए अब हमारे पास जो भी समय है उसमें मैं आपको जो समझाऊंगा इसे बहुत ध्यान पूर्वक समझ के लीजिएगा जी। इसमें श्री जीव गोस्वामी जी ने व्याकरण के जो सबसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का जो है अवलंबन यानी उसका सहारा लेकर जीव गोस्वामी जी ने यहाँ पर टीका किया है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें व्याकरण जानना थोड़ा आवश्यक है। यह व्याकरण शून्य व्यक्ति के लिए यह टीका उपयोगी नहीं हो सकती है, ऐसा है, ठीक है। तो जितना हो सकेगा मैं उसको सरल बनाने का प्रयास करूंगा, आपको शत प्रतिशत ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं अथ अब, हाँ तस्या उसका, किसका भक्ति का, उत्तमा भक्ति का, तस्या उत्तमाया भक्ते है, उस उत्तमा भक्ति का लक्षण, उसके लक्षण को वदन एव, उसको कहते हुए ही, वदन मतलब कहते हुए, एव ही उसको कहते हुए ही ग्रंथम आरभते, अब ग्रंथ को क्या करते हैं आरंभ करते हैं, आप जाके गोता लगाते हैं सिंधु में, अन्य इति गोता का अर्थ क्या है, डुबकी लगाते हैं समुद्र, अच्छा डुबकी, ठीक है डुबकी, डाइव इन द ओशन, ठीक है जी। ग्रंथम आरभते, अब ग्रंथ का आरंभ करते हैं, वास्तव में ग्रंथ का आरंभ, हाँ पहली लहरी का आरंभ किसमें हुआ, कौन से पद्य से हुआ, ग्यारहवें, हाँ ग्यारहवें से हुआ, नाउ स्टार्ट, अभी आप समुद्र में तैरना शुरू हो गया, सर्फिंग, सी सर्फिंग आपका शुरू हो चुका है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट डाइव, ठीक है जाए। जीव गोस्वामी जी कहते हैं देखिए मुख्य पद पे आते हैं, क्या है यहाँ पे अनुशीलनम, अनुशीलनम, देखिए हर वाक्य में एक क्रिया होनी आवश्यक है कि नहीं, इस पूरे वाक्य में अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, इसमें हाँ, क्रिया बताने वाला कौन सा पद है, एक ही पद है अनुशीलनम, हाँ एक ही पद अनुशीलनम, हाँ वो तो पूरा समास है कृष्णानुशीलनम, हाँ जी पूरे समास में जो क्रिया बताने वाला पद है वो है अनुशीलनम जी, तो जी, पूरे पूरा वाक्य जो होता है किसी भी व्याकरण के अनुसार पूरा वाक्य जो है वो क्रिया के आसपास ही मंडराता है, सही बात है कि उसमें मुख्य क्रिया होती है, पहले क्रिया लेते हैं क्योंकि क्रिया क्रिया का बहुत विस्तृत विवेचन यहाँ पर है, तो पढ़ते हैं मेरे पीछे पीछे बोलिए, अनुशीलनम अत्र अनुशीलनम अत्र क्रिया शब्दवत, क्रिया शब्दवत धात्वर्थ मात्रम उच्यते, धात्वर्थ मात्रम उच्यते, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर यदि आप कोई ट्रांसलेशन पढ़ लोगे ना, तो भयंकर मतलब आप ट्रांसलेशन पढ़ने में भयंकर संशय के सागर में गिर जाओगे, ऐसा है, ठीक है। आपको ट्रांसलेशन में दिखाता हूँ, ट्रांसलेशन जो है आप पढ़ने का प्रयास कीजिए कि क्या अर्थ है, जरा लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है,
यह अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, दिख रहा है आपको जी? तो इसमें अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आपको टीका के 11वें पद्य के ट्रांसलेशन में ले जाता हूँ, ठीक है? अनुशीलनम यहाँ से शुरू होता है ना? हाँ। श्री पढ़िए इंग्लिश में और मुझे बताइए। श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप बिगिंस द बुक बाय डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तमाम भक्ति। यहाँ तक तो ठीक है, वो तो पहले ही हमने वाक्य हो गया, ठीक है जी। जस्ट एज अ वर्ब इज अंडरस्टूड ओनली थ्रू द सेंस ऑफ इट्स वर्बल रूट, ओके, सो द वर्ड अनुशीलनम मस्ट बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू द सेंस ऑफ इट्स वर्बल रूट, ओके, ठीक है, या इन वन सेंस आई अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। नीचे फुट नोट दिया है जी जी। तो शील, हाँ, शील मीन्स टू एक्ट, टू प्रैक्टिस, टू सर्व, टू वर्शिप एंड टू मेडिटेट। अनु मीन्स कंटिन्यूस और विद डिवोशन। वर्ड्स कैन यूजुअली बी रिजॉल्व्ड इनटू वर्बल रूट्स आफ्टर रिमूविंग द अफिक्सेस। द सेंसेस ऑफ द रूट्स धात्वर्था आर फाउंड इन द धातु पार्ट ऑफ पाणिनि। By studying the sense of the dhatu of a word, one can understand the full scope of meaning in the derived word. Okay, sense of the dhatu, okay. Some roots may have only one meaning and some may have several meanings, okay. Some of the meanings may be active and some may be non-active, okay. Shield has two distinct meanings. One meaning is non-active, which is samadhi, contemplation. The other meaning is active, upadharana, to hear attentively, to perceive, to cultivate. बताइए क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ है कि we have to focus on the sense of the dhatu, and each dhatu might have different meaning. देखिए यहाँ पे शील स्वामी ने बताया था, शील कौन से अर्थ में होती है? उपधारण का अर्थ क्या होता है? अभ्यास। हाँ, अभी एक और धातु भी है, पहले एक दूसरी हाँ। धातु है, क्या धातु है? समाधौ। हाँ, शील समाधि अर्थ में भी होती है जी जी। हाँ, तो समाधि का क्या मतलब होता है? बेसिकली मतलब, वहाँ पे मेडिटेशन दिया हुआ है, जबकि हाँ, समाधि एक अष्टांग योग का एक जो है उसका एक सोपान है, उसकी एक सीढ़ी है, उसके चरम जो स्थान समाधि है, अष्टांग योग की चरम सीढ़ी है समाधि। तो जी, यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार से अनुवाद किया गया है कि धातु का एक अर्थ होता है। यहाँ पे शील धातु के दो अर्थ हैं, एक है समाधि, एक है हाँ। अभ्यास हाँ? जी, जी, जी। तो दोनों धातु के अर्थ को समझना चाहिए, ऐसा है, तभी अनुशीलन का अर्थ वैसे समझना चाहिए। यही है ना, यही बताया गया है यहाँ पे, है कि नहीं? जी जी जी। और क्वेश्चन में बताएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये व्याख्या को थोड़ा किनारे रखिए, स्लेट क्लीन कीजिए, ठीक है जी। शुरुआत से देखते हैं एकदम फ्रेश स्लेट पे, ठीक है जी जी। अनुशीलनम अत्र क्रिया शब्दवत का कुछ अनुवाद हुआ क्या यहाँ पे? क्रिया शब्द नहीं, क्रिया शब्दवत नहीं हुआ ना? है कि नहीं? नहीं। तो हाँ, तो इसलिए यहाँ पर अनुवाद थोड़ा हमको ठीक से करना पड़ेगा। अनुशीलन जो है क्या है, कैसे बना है? अनुशीलन में एक उपसर्ग लगा है, प्रीफिक्स लगा है, क्या प्रीफिक्स है? अनु और फिर है शील धातु लगी है, क्या लगी है? जी, शील धातु। और फिर उसके बाद एक प्रत्यय लगा है, सफिक्स लगा है जी, ठीक है। सफिक्स जो है वो सफिक्स है ल्यूट, क्या प्रत्यय लगा है? ल्यूट, ल्यूट है? तो किस तरह से अनुशीलन शब्द बना है, पहले ध्यान से समझ लीजिए, भले ही इस समय आपको थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन अब इस समय समझ के लीजिए, ठीक है। तो अनुशीलन जिस तरह से बना है उसका पूरा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये देखिए।
ये स्क्रीन में आपको इसमें क्या है, उपसर्ग क्या है, अनु, फिर क्या है, शील और फिर ल्यूट। ल्यूट, ल्यूट का ये टकार अंत का उड़ जाएगा, हाँ ठीक है, और आदि का लकार भी उड़ जाएगा, हाँ, तो सिर्फ यू बचेगा, क्या बचेगा, यू। फिर एक सूत्र है युवोर अनाकऊ, ये यू को अन बना देगा, क्या बना देगा, अन, अन बना देगा, तो यू के स्थान में फिर क्या हो जाएगा, अन, फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, कुल मिला अनु अधिकशीलन, अनुशीलन, अनुशीलन, हाँ है कि नहीं, जी, इस तरह से। अब ये जो है यह इस तरह से शब्द, अब ये ल्यूट जो प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय, हाँ, ये हाँ, कैसे होता है ये भी हमें देखना आवश्यक है, हाँ, तो ल्यूट प्रत्यय क्या होता है और कैसे होता है यह भी देखना यहाँ पर आवश्यक है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ ल्यूट प्रत्यय कहाँ होता है संस्कृत में आपको, क्योंकि इसमें जीव गोस्वामी जी यह पहले समझ रहे हैं कि आपको अष्टाध्यायी जो है आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए। अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में, तृतीय पाद में, हाँ, 3.3 जिसको कहते हैं, उसमें 115वां जो सूत्र है, हाँ, क्या सूत्र है, 115 क्या सूत्र है, दिख रहा है, नहीं ना, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, देखो, तीसरे अध्याय में, तीसरे पाद में 115वां सूत्र है, क्या सूत्र, हाँ, है, ल्यूट च, ल्यूट च, हाँ, ऊपर, उससे ऊपर एक सूत्र चल रहा है नपुंसके भावे कृतः, हाँ, भाव अर्थ में, नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, कृतः, हाँ, और उसी नपुंसके भावे की अनुवृत्ति हो रही है और एक दूसरा प्रत्यय भी होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यूट, ल्यूट च, हाँ, इसका व्याख्या हिंदी में सरल व्याख्या पहले देख लीजिए, ऊपर नपुंसकत्व विशिष्ट भाव के अभिधानार्थ धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, कत, हाँ, और फिर अगला है हमारा उसी अर्थ में धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, धातु से ल्यूट, हाँ, ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट में सिर्फ क्या बच जाएगा, यू, यू, यू का क्या बन जाएगा, अन, अन, तो फिर क्या हो जाएगा, अनुशील, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये है, इतना समझ में आना यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। अब बात ये है कि ये क्या होता है, भाव अर्थ में क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, हाँ, एक होता है, देखिए कुछ प्रत्यय जो होते हैं वो होते हैं कर्तृ अर्थ में, कौन से अर्थ में होते हैं, कर्तृ, हाँ, कुछ प्रत्यय कर्म, हाँ, अर्थ में होते हैं, कुछ प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं। अभी उदाहरण बताता हूँ, जैसे कुछ वाक्य बताता हूँ, इसको कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हाँ, बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, जैसे रामः पठति, क्या अर्थ हुआ इसका, राम पढ़ता है, इसमें पठति क्रिया है, कौन सी क्रिया है, क्रिया है, कौन सी क्रिया है, पठति, पठति, जी, पठति किसकी ओर इशारा कर रही है, राम की ओर, ये कर्ता है, राम कौन है, कर्ता, तो ये कर्तृवाच्य में है, आप समझ रहे हैं, हा? इसका वाच्य कौन है, कर्ता, हाँ, अब रामेण पुस्तकम पठ्यते, क्या हुआ अर्थ, राम से पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ी जाती है, हाँ, राम से क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक, हाँ, इसमें क्रिया किसको दर्शा रही है, पुस्तक को, ये पुस्तक कर्म है, हाँ, तो ये हुआ कर्मवाच्य, हाँ, तो कभी इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, कभी 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 एक न्यूट्रल वॉइस भी होता है भाववाच्य, जिसमें सिर्फ धातु का अर्थ दिखाया जाता है, रामस्य पठनम, राम की पढ़ाई,
इसमें पठनम जो है ये किसको बता रहा है, या राम को बता रहा है, पुस्तक को बता रहा है, या ये सिर्फ खुद के अर्थ को बता रहा है? बस खुद के अर्थ को। इसी को धातु अर्थ कहते, क्या कहते हैं इसको? धातु अर्थ। हाँ, धातु अर्थ। जब धातु, धातु का जो अर्थ होता है उसी को, हाँ, उसी को तो धातु अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? धातु अर्थ। तो ये वास्तव में अनुशीलन भी, यह भाव जो अनुशीलन भी भाववाचक है। ये जो शब्द है ये क्या, ये कर्ता को नहीं बता रहे पूरे, इसमें था अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यन आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। हाँ, ये कोई कर्ता था क्या उसमें? कोई नहीं, नहीं था। ठीक है, वास्तव में है, ये अनुशीलन ये खुद के धातु के अर्थ को बता रहा है। किसको बता रहा है अनुशीलन? के धातु के अर्थ को। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अब अभी ध्यान से एक बात और भी समझना है। जीव गोस्वामी जी वहां पे कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे जरा समझ के लेते हैं। अनुशीलनम अत्र क्रिया शब्दवत। किसके वत? क्रिया शब्दवत। धात्वर्थ मात्र उच्चते। अब ध्यान से सुनिए, एक होता है धातु, एक होती है क्रिया। जी, एक होते हैं धातु, एक होती है क्रिया। उदाहरण, धातु है पठ जी, क्रिया है पठती जी जी, है ना? धातु क्या है? पठ। पठ के एक अर्थ को बताता है पठती जी। तो क्रिया, क्रिया क्या करती है? क्रिया धातु के अर्थ को बताती है। क्रिया क्या करती है? धातु के अर्थ को बताती है। जैसे हिंदी में बताता हूँ, धातु हो गया जैसे पढ़ना, पढ़ना एक सपोज मान लीजिए, हिंदी में तो धातु का कोई ऐसा है नहीं, होता नहीं है, पर मान लीजिए पढ़ना धातु है। अब उसके अनेक अनेक अर्थ निकल सकते क्रिया में, जैसे पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ता, यदि पढ़ता तो, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो क्रिया क्या करती है? धातु के अलग अलग क्या निकालती है? अर्थ। अर्थ निकालती है। तो क्रिया जिस तरह से धातु के अर्थ को कहती है, क्रिया के क्या कहती है? क्रिया धातु के अर्थ को कहती है। उसी तरह से अनुशीलन भी यहाँ किसको कहता है? धातु के अर्थ को कहता है। हाँ, क्रिया शब्द की तरह, जैसे क्रिया धातु के अर्थ को, क्रिया का कोई भी शब्द जैसे धातु के अर्थ को कहता है, वैसे अनुशीलन भी यहाँ शील धातु के अर्थ को कहता है। अब यहाँ पर और भी डिटेल है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हमें समझ कर लेनी है, बहुत अच्छे से समझ कर लेनी है। वह शब्द, वो अर्थ क्या है कि धातु के दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं धातु के? दो। दो अर्थ होते हैं। क्या दो अर्थ होते हैं ये सबसे पहले हमें समझ कर लेना है। ठीक है, तो क्या दो अर्थ होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको? जी। पहले के वैयाकरण कहते हैं फल व्यापार योर धातु। हाँ। धातु के दो मुख्य अर्थ होते हैं। कौन से दो अर्थ होते हैं? फल और व्यापार। फल और व्यापार दोनों का वाचक क्या होता है? धातु। अर्थात धातु के द्वारा दो अर्थ कहे जाते हैं। कौन से अर्थ कहे जाते हैं? फल और व्यापार। बस इतना समझ। देखो बहुत सरल, धातु के द्वारा दो अर्थ कहे जाते हैं। धातुअर्थ, धातुअर्थ दो ही होते हैं। कौन से दो धातुअर्थ होते हैं? फल और व्यापार। हाँ, अब फल क्या है और व्यापार क्या है ये हमें समझना है। समझ में आ गया आपको? हाँ, धातुअर्थ मतलब धातु का अर्थ, धातु का अर्थ दो ही होता है। कौन से दो अर्थ होते हैं? फल और व्यापार। फल और व्यापार। अब फल क्या है और व्यापार क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, अब इसका उदाहरण मैं आपको बता, उदाहरण से अतिशय स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, पहली धातु है, कौन सी धातु है? पंच। पच, सॉरी, पच, 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 यस, पच। पच का अर्थ क्या होता है? पकाना। ये तो अर्थ है ना, पर इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो व्यापार और क्या है?
फल। फल तो खाना पकाने में क्या क्या व्यापार होता है? बर्तन को आग पर धरना, हिलाना, फूंक मारना नीचे, हाँ यस आदि। जब कोई पकाते हैं हम खाना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना, बर्तन में पानी डालना, आग जलाना, बर्तन में सब्जी डालना, जो भी है, हाँ ये सब क्या है? पच धातु का क्या है ये? हाँ, क्या व्यापार है? व्यापार हाँ, है। और उससे क्या फल मिलता है? मतलब चावल इत्यादि का गलना, मतलब पक जाना, ये फल है। क्या होता है उसका? गलना, पक जाना। पक जाना ही क्या है? उत्पच धातु का क्या है? फल। फल है। अब दूसरी धातु लेते हैं। दूसरी कौन सी धातु है? हन, हन धातु, मारना। हन धातु में व्यापार क्या क्या होता है? हाँ, गला दबाना, हाँ तलवार आदि को उठाकर प्रहार करना, काटना। हाँ जी। और उसका फल क्या होता है उस धातु? प्राणों की का वियोग। हाँ, मतलब प्राण चले जाने ही जी क्या होते हैं? जी हाँ, मतलब फल, जिस जिस क्रिया से फल मिलती है वही व्यापार हो गया, और जिस व्यापार से फल मिलता है वही क्रिया हो गया, नहीं हाँ वही फल हो देखिए, गया। हाँ क्रिया जब चल रही होती है, हाँ, हाँ क्रिया की व्यापार हो वर्तमान अवस्था को व्यापार कहते हैं, जी। और क्रिया की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? फल। फल कहते हैं। समझ में आ गया आपको? हाँ? जी 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 अब जी एक और धातु है चुर। चुर धातु किस अर्थ में होती है? चुराना। चुराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले दीवार में सेंध लगाना पड़ता है, या हाँ, ताला हाँ, तोड़ना पड़ता है, अपने आप को हाँ, गुप्त भाव से प्रविष्ट करना, इत्यादि, ये व्यापार है। फल क्या हाँ, होता है? अस्व की, जो हमारी वस्तु नहीं है, उसका क्या हो जाना? हाँ, स्वकीय स्वकीय। हाँ बन जाना, जो दूसरे की वस्तु अपनी हो जाती है, वही तो जी फल है चोरी का। जी हाँ, फिर वैसी है दृष्ट धातु। दृष्ट धातु में क्या क्या है? हाँ, नेत्र के साथ मन को जोड़ना, आंख खोलना, विषय की ओर देखना, ये सब क्या है दृष्ट धातु का? हाँ व्यापार। और उसका फल क्या है? उसका दृष्टि से मिलन हो जाना, ना? वो चीज दृष्टि का विषय बन जाती है। उसी तरह से, हाँ, ये तो, हाँ, और फिर लिख धातु। लिख धातु में क्या है? हाँ, हाथ के द्वारा कलम पकड़ना, स्याही में डुबोना, हाथ धीरे धीरे लिखना, हाँ? और उसका फल क्या है कि पत्र कागज इत्यादि पे रेखाएं बन जाती है, ये उसका क्या है? फल की तो है, हाँ? जी। वैसे ही छिद धातु काटना, श्रु धातु सुनना, जागृ धातु जागना, हाँ, इस जी तरह ये सब धातु है। हर धातु के दो अर्थ होते हैं। कौन से जी दो अर्थ होते हैं? हाँ, फल और व्यापार। व्यापार। तो पुनः हमारे जो वैयाकरण ने जो बताया था उसको हम वापस एक बार देखते हैं। वैयाकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं फल व्यापार योर धातु। तो धातु के द्वारा दो ही अर्थ कहे जाते हैं। धातु अर्थ मतलब दो ही होते हैं, धातु दो ही अर्थों को कहता है। कौन से दो अर्थों को कहता है? फल और व्यापार। व्यापार समझ गए ना आप, हाँ? जी और फल जी भी समझ गए आप, हाँ? जी 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 अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए। मैं एक अब वाक्य बताता हूँ, ठीक है, हाँ? राधा भोजनम पचती, क्या अर्थ हुआ इसका? राधा भोजन को पचती है। पचती है मतलब, पचती मतलब क्या? पच रही है। पच धातु का क्या किसमें अर्थ, पच का क्या अर्थ होता है? पकाती है, सॉरी पकाती है। राधा भोजन को पकाती है कि हाँ नहीं? हाँ यही अर्थ हुआ। जी जब आपको, जी जब आप इसको मन में सोचिए, हाँ? राधा भोजनम पचती, आपके मन में क्या आ रहा है? व्यापार आ रहा है कि फल आ रहा है? व्यापार। हाँ, याद रखिए। तो मुख्य रूप से धातु अर्थ एक ही होता है, क्या होता है? व्यापार। हाँ, समझ लिया आपने जी मुख्य रूप से धातु अर्थ एक ही होता है, क्या होता है? व्यापार। तो जब हम बोलते हैं धातु अर्थ, हाँ, धातु अर्थ का मतलब क्या होता है? व्यापार, व्यापार होता है, फल। हाँ, एक प्रकार से जी। हाँ, लेकिन मुख्य अर्थ एक ही होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं किसी धातु के बारे में सोचते हैं तो फिर हाँ, वो, तो पहले तो उसका क्या हमें सोच, क्या हमें समझ में आता है? व्यापार समझ में आता है या फल आता है? नहीं, व्यापार व्यापार समझ में आता है। तो धातु अर्थ
मतलब मुख्य रूप से क्या? व्यापार। व्यापार जी। तो वैसे ही अनुशीलन में भी मुख्य क्या है? भक्ति का व्यापार व्यापार या भक्ति का फल? व्यापार हाँ, समझ में आया। तो जैसे क्रिया शब्द, क्रिया जब आप क्रिया सोचते हो तो क्रिया शब्द में आपको क्या समझ में आता है? व्यापार समझ में आता है या फल समझ में आता है? व्यापार व्यापार। तो जैसे क्रिया शब्द में आपको व्यापार दिखाई देता है, वैसे ही अनुशीलन शब्द में भी आपको कौन सा धातुवर्क समझ में आना चाहिए? व्यापार हाँ, ये अर्थ हुआ इसका। समझ में आया अब जी आपको? जी जी इसका अर्थ यह है कि भक्ति अर्थात व्यापार। समझ में आया? भक्ति मतलब क्रिया, भक्ति मतलब क्या है? क्रिया व्यापार हाँ, भक्ति अर्थात फल नहीं। अनुशीलन शील में दो अर्थ हो सकते थे। हाँ, क्या भक्ति के फल की प्राप्ति भक्ति है या भक्ति की क्रिया भक्ति है? भक्ति की क्रिया भक्ति है नहीं व्यापार भक्ति है कि फल भक्ति है? व्यापार व्यापार भक्ति है, यही तो बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। जी 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 समझ में आया जी प्रभु जी स्पष्ट रूप से? हाँ अनुशीलनम अत्र, अनुशीलन जो है, अनुशीलन तो अनु तो हटा दीजिए, सिर्फ शीलन। हाँ, शीलनम जो है अत्र यहाँ पर, क्रिया शब्दवत, कौन से शब्द की तरह? क्रिया शब्दवत हाँ, कौन से शब्द की तरह? व्यापार कौन से शब्द की तरह? क्रिया हाँ शब्दवत, कौन से शब्दवत? क्रिया शब्दवत हाँ, क्रिया शब्द की तरह धात्वर्थ मात्र मुच्यते, सिर्फ किसको कहता है? हाँ, धातु के अर्थ धात्वर्थ मतलब अर्थात क्या हुआ? व्यापार हाँ, तो अनुशीलनम अत्र क्रिया शब्दवत व्यापार मात्र मुच्यते। समझ में आया आपको? हाँ, जैसे क्रिया शब्द से क्या समझ में आता है, फल या व्यापार? व्यापार वैसे अनुशीलन शब्द से भी यहाँ पर क्या समझ में आना चाहिए? व्यापार व्यापार मात्र मुच्यते। तो धात्वर्थ को आप बदल लीजिए, किसमें बदल लीजिए? व्यापार व्यापार में बदल लीजिए, बस इतना ही। जी ठीक है, क्योंकि मुख्य अर्थ तो व्यापार ही है, फल नहीं। यस प्रो ठीक है। हाँ, अब धात्वर्थस्य द्विविधः। अब धात्वर्थ मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मैंने अभी बताया धात्वर्थ मतलब क्या है। ठीक कि दो एक तो फल और एक हो गया व्यापार है, अंत में फल हटा के हमने क्या बोला? धात्वर्थ एक ही है, क्या है? हाँ व्यापार ही है हाँ, व्यापार है। धात्वार्थस्य द्विविधः, और ये व्यापार कितने प्रकार का है? द्विविध दो प्रकार का व्यापार है अनुशीलन में। हाँ हाँ प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मकः, किसी चीज में प्रवृत्ति होना मतलब किसी चीज में उसमें उसमें अपनी प्रवृत्ति हो जाए, और निवृत्ति किसी चीज से दूर हट जाना। इस हाँ तरह हाँ देखिए, काय वांग मानसीय तत्त्व चेष्टा रूपः। तो अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से चेष्टा रूप, कौन सा रूप? चेष्टा चेष्टा रूप व्यापार। और दूसरा चेष्टा रूप प्री, मतलब हाँ अभी मैं सब समझाऊंगा, पहले ध्यान से ठीक है समझिए। ठीक दो दो प्रकार है समझिए, प्रीति विषाद आत्मको मानसस्त तद भाव रूप, और प्रीति विषाद आत्मक मानसिक भाव रूप। तो दो प्रकार के हैं, चेष्टा रूप व्यापार और कौन सा रूप व्यापार? भाव भाव रूप व्यापार। इसको फिलहाल सिर्फ नाम समझ कर दीजिए, ठीक है ना? इसकी व्याख्या मैं करूंगा, थोड़ा अभी बता देता हूँ, बाद में विस्तार से बताऊंगा। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें, ध्यान से सुनिए, शरीर के अवयवों को हलचल होती है। ध्यान से सुनिए, क्या ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें शरीर के जी अवयवों की, शरीर के अंगों के हलचल होती है, जी उनको कहते हैं चेष्टा रूप। ओके जैसे हंसना, हंसने में हाँ होती है चेहरे शरीर पे की, हाँ हाँ, हाँ तो ये चेष्टा रूप हो गया।
बोलना, जी खाना, जी ये हो गए चेष्टा। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सिर्फ मन में ही उठती हैं और मन में ही वापस समाहित हो जाती हैं। जी वो हो गए भाव रूप। हाँ, जैसे दुखी होना, जी सुखी जी होना, जी सारी क्रियाएं एक ही शब्द में डाल दी गई हैं। कौन से शब्द में डाल दी गई हैं? हाँ, चेष्टा और भाव रूप नहीं, धात्व अनुशीलनम, सारी क्रियाएं अनुशीलनम एक ही में डाल दी गई हैं। किसमें? अनुशीलन व्यापार को कह रहा है, फल को नहीं। हाँ व्यापार हाँ दो प्रकार का हो सकता है क्योंकि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, चेष्टा रूप और भाव रूप भाव रूप। चेष्टा रूप वो क्रियाएं होती हैं जिनमें अंगों के अवयवों का हिलना डुलना होता है, भौतिक शरीर के अवयवों का हिलना डुलना होता है। जी जिसमें भौतिक शरीर के अवयवों का हिलना डुलना नहीं होता, वो कौन से रूप होते हैं? बाबरू। बस इतना यहाँ पर, यहाँ तक समझ लीजिए। बस बस इतना पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आगे का मैं आपको अगली बार बताऊंगा। ठीक है? जी। तो एक बार फिर से कि जो अनुशीलन है वो क्रिया शब्द वर्थ क्रिया शब्दवत क्या, हाँ, क्रिया शब्दवत धात्व। धात्वर्थ मात्र, हाँ, मतलब व्यापार अर्थ से लिया गया है, और उसमें क्रिया, भी दो देखो प्रकार, क्रिया शब्द किसको कहे, क्रिया शब्द मन में सोचो क्या समझ में आता है, क्रिया शब्द क्या मतलब आता है, कुछ करने की, हाँ, क्या कुछ चल रहा है, करना, क्रिया क्रिया शब्द में क्या चल रहा है, व्यापार आ रहा है कि फल आ रहा है। व्यापार ही आ रहा है। हाँ, तो जी जैसे क्रिया शब्दवत, क्रिया शब्द की तरह हाँ, धात्वर्थ मात्र मुच्यते, वो सिर्फ धात्वर्थ मात्र को कहता है। धात्वर्थ मतलब किसको कहता है, वो व्यापार को। व्यापार को कहता है। और वो व्यापार जी, कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, चेष्टा आज रूप और और भाव भाव रूप। रूप। चेष्टा रूप मतलब हाँ कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिनमें शरीर के जी अवयवों की हलचल होती है, ठीक जी है, और जी कुछ जी ऐसे व्यापार होते हैं जिसमें शरीर के अवयवों की हलचल ना होती है, मन में ही उठते हैं और मन में ही समाहित हो जाते हैं। समझ में आ गया, जी ये जी होते हैं भाव रूप, ऐसा है। हाँ, ओके आगे और बढ़ा है, सत्ता सत्ते तो परस्पर उपमर्दितत्वात् चेष्टांतर्गते एव, वो आगे समझाएंगे क्या है उसका अर्थ। अभी जी आज ये सब जी पूरी पूरी अगर ने भरनी है हमको, ठीक है, चलेगा। जी जी तो आज यहीं पे विराम, अल्प विराम लेते हैं, टीका में बहुत आगे जाना है। हाँ, ये टीका ऐसी जी है कि इस टीका जैसी टीका मैंने नहीं देखी है इसको। अगर ये दुर्गम संगमिनी है, अगर हाँ, अगर ये संगमिनी है तो मुझे दुर्गम क्या है बताइए फिर, क्योंकि यही मुझे बहुत दुर्गम लगी। इसी को समझने में मुझे बहुत समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगा, फिर भी बहुत प्रयास करके दुर्गम संगमिनी के उस पार तक पहुंच गया हूँ, तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जी धन्यवाद, धन्यवाद तो यहाँ पर आज अब हम थोड़ा विराम लेंगे। अंत में आपको एक ही जो है जो थोड़ा सा इसका चित्र बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जी। धात्वर्थ कितने होते हैं? दो प्रकार के, हाँ, व्यापार और फल। उसमें मुख्य धात्वर्थ क्या है? व्यापार हाँ, व्यापार, दो प्रकार का होता है, क्या? अंग चेष्टा और भाव। परिस्पंदन युक्त व्यापार, अंग का परिस्पंदन, अंग के हिलने डुलने से युक्त जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है? चेष्टा, अंग परिस्पंदन मुक्त व्यापार, वो क्या कहलाता है? भाव। इतना बस समझ लीजिएगा, यहीं जी पर हमें विराम लेना है। ठीक जी है, जी आगे जी और चेष्टा भाव क्या होता है वो थोड़ा और अगली बार विस्तार से बताएंगे। ठीक जी है, तो एक प्रकार से इसमें सभी आ गया। हाँ, अब कोई क्रिया बाकी नहीं रही। अनुशील। जी। ठीक है, क्या भगवान के लिए धात? हवाई जहाज में, भगवान के लिए हवाई जहाज जी में सफर करना जी जी चेष्टा रूप है सबसे कि भाव पहले रूप है? चेष्टा रूप। भगवान के लिए दुख अनुभव करना, भगवान के वियोग में दुख अनुभव करना, भाव रूप। जी समझ में ये बात है। और बहुत ही मतलब क्या शब्द कहते हैं, ऑल एनकम्पासिंग धातु का उपयोग किया गया है। जी, हाँ जी, ठीक है, यस यस भाई चलिए जी मंगलाचरण से हाँ मंगल अंत करते हैं। ओम जी अज्ञानतिमिरांध्यस्य
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यम् सोऽयं रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् ददाति स्वपदान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, अब आप किसी को समझाने का प्रयास कीजिएगा क्या है धातु जी, अर्थ। जी ठीक है, इतना सरल नहीं है, फिर भी मैंने जितना हो सका उतना प्रयास किया है। फल व्यापार और धातु, धातु मतलब व्यापार और फल, लेकिन भक्ति में हमें फल से अधिक व्यापार व्यापार भक्ति मतलब सतत सिर्फ क्या होना चाहिए, व्यापार ही होना चाहिए, व्यापार ही होना चाहिए। ऋषि केण ऋषिकेश सेवनम न तो सेवनस्य फलम, सेवनम ही भक्ति रुच्यते, व्यापार ही भक्ति है, ये बात है। जी, व्यापार का यहाँ बिजनेस मत लीजिएगा, व्यापार का अर्थ है यहाँ पर अंग्रेजी में कह सकते हैं कॉन्स्टेंट एक्टिविटी 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 जी अभ्यास एक प्रकार से। ठीक है, चलिए, जय हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।